बहुत ही बड़ी सी जर्नी है हमारे लिए, एक तरह से शुरू से ही हम देख रहे हैं आपको, फॉलो कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अब ये बातचीत आपके साथ होना चाहिए, आपके मन में क्या सवाल है कि कैसे डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है या और कुछ है, प्लीज पूछिए। दो दो मजेदार कलाकार आपके सामने है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप पूछिए उनसे सवाल, आइए प्लीज स्टैंड अप। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं जैसे काफी सारी हिट मूवीज की, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रहती है? डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट क्या है। जब मैं हंसे पाई वो था, जब मैं दिलवाले दिलचले या उस तरह की फिल्में लिख रहा था तो मेरे दिल में ऑफकोर्स आपको हैरत होगी जानकर कि दिलचले ऑलमोस्ट पहली फिल्म है जिसमें टेररिज्म इन्वॉल्व था और हमारा मेन हीरो अजय टेररिस्ट बनता है। तो उस वक्त टेररिज्म को समझना, उसे एनालाइज करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो हर फिल्म के लिए आपकी रिसर्च, आपकी इंस्पिरेशन, बट ये ज़रूर है कि अगर आपकी कहानी आपका पीछा करते रहे 6 महीने एक साल, तो ही उसे स्क्रीन प्ले में बनाना चाहिए, फिल्म बनानी चाहिए, वरना कई कहानियां होती है उनमें इतना दम नहीं होता कि वो पीछा कर सके। Which one is your favorite? Which is your favorite son or daughter? तो जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, वो बात और है कि जो चीज़ अभी अभी बनाई हो, जिस तरह हिंदुत्व, तो वो दिल के ज़्यादा करीब रहती है क्योंकि उसकी रचना अभी अभी So this is a must watch. Okay, it's being screened in our festival this time on the 7th edition. And usme sir ka direction hai, writing hai and produced by him also. And Deepika ji ne feature kiya hai. So don't miss it. Okay. Anyone else? Next question. Yes, please. That is your work life. Yes. That's completely everyone. Aaj ye double work life. Phone silent pe rakhna padta hai. और घर से फोन आए तो किसी और को पकड़ा देना पड़ता है तो वो तो जब शूटिंग कर रहे होते हैं तब तो ऑब्वियसली योर फोन इज यू नो विथ योर बॉय हु इज असिस्टिंग यू, अकंपनिंग यू। तो बस ये है कि जो घर में गेस्ट्स हैं उनको अपनी लेटेस्ट कहानी सुनाते रहो उनसे अगर कहानी पसंद नहीं आएगी तो जल्दी चले जाएंगे, पसंद आएगी तो तारीफ करते रहेंगे फिर आपको उनको निकालने के तरीके सोचने पड़ेंगे तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, इट्स अ वेरी इनसिक्योर लाइफ बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि आज आप अर्श पे हो तो कल फर्श पे होंगे तो ये एडजस्टमेंट्स जो है बहुत जरूरी होती है कि आप दिमाग में लेके चलें अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। आपका क्या है, काफी मुश्किल काम होता है आपने, आपने आपके दिमाग में कहानी चल रही होती है बहुत, और आपके बहुत सारे घर की निजी चीजें ऐसी होती है वो भी आपको करनी होती है, तो वो जो बैलेंस है वो डेफिनेटली मतलब वो आपको बढ़ाता और करता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में आती है और आप उनको लिख भी नहीं पाते और फिर मालूम पड़ा कि जब मौका आया तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जब आपके मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या कर रहा था। कभी कभी चीज़ें ऐसी फंस जाती हैं कि आप कई दिनों तक लिख ही नहीं पाते, वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको फोन पर फोन करते रहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पहुँचे और फिर क्या हो रहा है, बस बस आ गया, फर्स्ट क्लास होने वाला है, चलने वाला है। जैसे मैं एक्टर भी हूँ और राइटर भी रहा, तो जैसे किसी फिल्म की शूटिंग पर अगर ऐसा बाहर चला गया तो 13 दिन आ गया और मेरी 3 दिन में शूट है और उसके बाद 2-3 दिन का गैप है और फिर 3-4 दिन बाद फिर मेरा काम है, तो पर्सन आउट होता है सर वापस जाएंगे तो रुकेंगे, तो मैं कहता हूँ रुकेंगे है ना, क्योंकि मेरे को फिल्म में जगह मिली लिखने के लिए और मैं कैरी ऑन कर जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वापस घर चला जाऊँगा तो फिर अपने पूरा जिसे कहते हैं कि बहुत सारी निजी चीज़ें फिर आपको परेशान करेंगी, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो जो अलग बात है।
लेकिन साथ ही साथ अगर आपको टाइम पे काम खत्म करके देना है तो इससे अच्छा मौका क्या होगा? सुना होगा आप लोगों ने कहानियों में भी, क्या बोलते हैं, पत्रकारिता में भी, और के मतलब राइटर्स जाते हैं टूर पे जाते हैं, भाई को पता होगा कि देहरादून चले गए, नैनीताल चले गए, हिमाचल चले गए, और फिर प्रोड्यूसर अपने खर्चे बेचता कि जाओ भाई और मेरे को ये महीने भर के अंदर पूरी कहानी के लिए आती है या 15 दिन के अंदर चाहिए, तो उसको डिपेंड करता है, अगर 15 दिन में हो गई तो 15 दिन और काट देता है। ये एक है संयोग है। एक सागर सर अभी साहब हमारे यहाँ पे आए थे कुछ साल पहले, उनको हम बैठते हैं नैची पर, वो एक बार यही बात कह रहे थे कि कहानी लिखने की बात बोले, जब वी आर चोपड़ा साहब को जो है अपना बिल भेजे तो उसने था थोड़ा सा गोवा का था, थोड़ा कर्नाटक का, इधर हिमाचल का, दिल्ली का, तो चोपड़ा साहब देखने के बाद यस तो कर सकता हूँ यस तो कर दी, तो हमें तुम किस किलोमीटर के हिसाब से लिखते हो क्या? अपने आप को अकेले कर लेना चाहिए खास तौर पे, और आप तो नेचर से पूरी तरह घिरे हुए हैं, तुलास में तो राइटर ही राइटर पैदा होने चाहिए। देखो क्या है कि हमारा जो वक्त था, मेरे पापा कभी नहीं चाहते, मेरे पापा चाहते थे कि मैं वेटरनरी कॉलेज में जनरल डॉक्टर बन जाऊँ, कैसे भी कर एक सरकारी नौकरी मिल जाए वो रहता था, लेकिन क्योंकि वो सिद्धू था दिमाग पे कि थिएटर बन जाए, जहाँ तक तो आने का सोचा भी नहीं, सपना भी नहीं कि सिनेमा में जाना है, बम्बई जाना, मथुरा से बम्बई बहुत दूर, बॉम्बे बोलते हैं, और खो जाओगे आप अंधेरी के बराबर मथुरा है ना, और उस शहर में हम थिएटर करते थे, वो एक्टिविटी चलती रहती थी, शो करते थे हमारे, और वो देखने के लिए पापा आखिरी वाला शो देखने आते थे, देखते थे करता क्या है ना, अखबारों में नाम छपता था तो हमको प्राउड होता था, बाकी जितने भी क्या होते रिश्तेदार या उनके पापा के दलित होते थे वो पेपर डाल के दिखाते थे आपके लॉन्डी में बहुत पास, तो देखते थे अच्छा अच्छा हाँ, तो वो दिलासा देते थे कि चिंता मत करो इसमें भी कर रहा है, ये डॉक्टर नहीं बना तो एक्टर तो बनेगा है ना, लेकिन इतना ही करना काफ़ी होता है। जब मैं गया बॉम्बे, हीरो खूबसूरत चाहिए, हीरोइन खूबसूरत चाहिए, विलेन खूबसूरत चाहिए, साइड में जितने कैरेक्टर हैं वो खूबसूरत चाहिए, आप तो ऑलरेडी मेरी तो हाइट भी नहीं है ना, एक छोटा सा दुबला पतला था, अभी तो फिल्म में कुछ बड़ा बुरा कर रहा हूँ, जब मैं गया था आदमी दिक्कत नहीं था है ना, तो ऐसी हालत होती थी मेरे को। ऐसा खान साहब कर रहा मैं, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि एक लेटर लिख करके एक हाउस में भेजा, प्रोडक्शन हाउस में, नाम मेरा विजेंद्र था, उनको लगा दरवाजा खुलेगा आएगा कोई लाइन सही, और जैसे दरवाजा खुला तो ऊपर से लेकर उसने नीचे तक देखा, पर ऐसा पहले नहीं था, कुछ नहीं था, हाँ भाई मैंने कागज़ दिया, उन्होंने पढ़ा, अंदर बुलाया, बैठाया और देखते रहे, फिर बोले चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ, तो मैंने चाय पी, फिर सोचते रहे सोचते रहे, बोले बेटा मेरी पिक्चर में शत्रुघ्न सिन्हा है, सोनू वालिया है, किरण कुमार है, डैनी तेंदुलकर है, ये है वो है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझे कहाँ बनाऊंगा, तो मैंने कहा हाँ अभी ठीक कर लो, कि मतलब मुझे लगा कि कैमरा ऐसे चले, और एकदम अचानक बोले नहीं कि वो तो रह गया आज कहाँ है इधर, तो एक सोच इस तरह की थी। तो होता क्या है कि करत करत अभ्यास, आपको लगता है कि आप यहाँ बैठे हुए हो, कर सकता है आप यहाँ बैठे रहो और बाकी आप पूरा एक्सप्रेस करो, सबको बताओ कि हाँ मैंने एक दिन का मेरा भी कि मैंने सवाल किया था और आज मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को, तो हमें कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला, लेकिन थिएटर करते 18-19 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हम मंडी हाउस में घूमते रहते थे, तो जीवन ऐसा हो गया था बिल्कुल फकीरों हमारा,
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लोग ऐसा करो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे हो जाओ, लेकिन फिर भी क्या है कि जो टैलेंट है वो बोलता है। उस वक्त जो समय था वो बिल्कुल इस तरह का था कि हमें समझ में नहीं आता। हमको बड़ा अच्छा लगता था जब ओम पुरी साहब को देखते थे, किशोरदा पाटिल जी को देखते थे, श्यामला आर्मी जी को देखते थे, नसीर भाई आ गए। धीरे धीरे करके पता लगा कि ये एन एन एस आई स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए हैं कि थिएटर के आर्टिस्टों को काम मिलने लगा। हमारे वक्त में जो स्ट्रगल करते थे, जिसको अगर स्ट्रगल कहते हैं उस चीज़ को, चाहे दिमागी दुनिया का कोई हो, कोई डायरेक्शन में कर रहा था, कोई राइटिंग में कर रहा था, कोई एक्टिंग में कर रहा था, 10-12 साल बाद सब अपने अपने प्रोफेशन में आ गए और सब एक दूसरे को काम देने लगे, सबकी बातें होती शुरू हुआ। क्या बात, तो ये प्रोसेस है। तो मतलब ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं है कि ये कैसे होगा कि क्या होगा, टिप्स को नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्स दे सकता है आपको कि सक्सेसफुल एक्टर कैसे बनता है, कि क्या बनता है या उसका तरीका क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पेशानी पे उस पर माथे पर जो है शिकर नहीं आनी चाहिए, ईमानदार रहो। कई लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं कि सर ऑडिशन देते रहते हैं, ऑडिशन दो क्योंकि जो स्क्रिप्ट आपको फिल्में मिल रही है। अगर अब तो बॉम्बे में अगर ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं तो बहुत लकी हो आप, अदरवाइज आप ऑडिशन में ऐसे भी नहीं जा सकते आप जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं है। आप ऑडिशन देने जाइए, आपको हर रोज एक नई स्क्रिप्ट मिलेगी, आप उस किरदार को तैयार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं होता नहीं होता है, लेकिन आपको पता तो लगता है कि आप किस किस तरह की स्क्रिप्ट होती है। तो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, और ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने आप को हिम्मत जितानी पड़ेगी। Thank you. आप दोनों को एक ही बात कहूंगी, दिल में खुशियों की आहट रखना, जिंदगी में यूं ही जीतने की चाहत रखना। दिल में खुशियों की आहट रखना, जिंदगी में यूं ही जीतने की चाहत रखना। और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें, बस अपने चेहरों पर यूं ही मुस्कुराहट रखना। Thank you so much.